प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। किसी शायर के शेर की ये लाइनें शायद इसी रेगिस्तान की कहानी बयां करती है। कौन कहता है रेत के महल जल्द ढह जाते हैं? ये रेत ऐसी है जो कि बड़े बड़े महलों की नींव हिला देती है। कौन कहता है कि हाथों से रेत फिसल जाती है? ये रेत ऐसी है जो हाथों से दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। ये रेत बोलती है, ये रेत संदेश देती है और ये रेत इतिहास रचती है। आज भारत एक खोज में हम आपको ले चलेंगे रेत की ऐसी ही दुनिया में और मिलवाएंगे रेत के जादूगर से, जिन्हें दुनिया सुदर्शन पटनायक के नाम से जानती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जहां होती है रेत पर जादूगरी। यूं तो रेत पर निशान छोड़ना मुश्किल काम होता है, पर भगवान जगन्नाथ की धरती पुरी में हर रोज रेत पर ऐसे निशान बनाए जाते हैं जो अमर हो जाते हैं। समंदर के किनारे यहाँ भगवान भी उतरते हैं तो इंसान भी उकेरे जाते हैं। कहा जाता है कि रेत के महल ज्यादा दिन नहीं टिकते, लेकिन ये कहावत ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक पर लागू नहीं होती। सुदर्शन ने रेत की कला में जो नाम कमाया है वो किसी भी समंदर के पानी से मिटने वाला नहीं है। समंदर हो, समंदर के साथ वो किनारा यानी बीच जिस पर रेत ही रेत हो। रेत फिसल जाती है, रेत उड़ जाती है, रेत बह जाती है, लेकिन इस रेत को, इस बीच को एक कैनवस में बदल दे कोई शख्स और इस रेत को पेंट में, यानी इतनी खूबसूरत नायाब कलाकारी आपको दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे। आइए हम आपसे मिलवाते हैं रेत के एक ऐसे कारीगर को, रेत के एक ऐसे जादूगर को कि जब वो रेत हाथ में उठाता है तो जैसे बोलने लगती है। हमारे साथ हैं सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे साथ। अच्छा सुदर्शन जी, इस रेत का, समंदर का और इस किनारे का आपसे रिश्ता क्या है? रेत तो हमारे लिए और समंदर हमारे लिए हमारा फैमिली जैसे हैं। जैसे मैं हर दिन सुबह उठता हूँ तो समंदर का लहर देखता हूँ और रेत को छूता हूँ, फिर उसको पूजा करता हूँ। ये तो जैसे हम भगवान को पूजा करते हैं ऐसे समंदर किनारे को पूजा करते हैं और इस समंदर को पूजा करते हैं। बोलते हैं कि जगन्नाथ जी का जो महालक्ष्मी जो है वो समंदर के साथ रिलेटेड है। मोदी का पीएम बनना हो, सचिन का शतक या फिर 35 फीट लंबा सेंटा, दुनिया में शांति का संदेश देना हो, भारत पाक के रिश्तों की बात हो या फिर अन्ना का जन लोकपाल आंदोलन, जब सुदर्शन की उंगलियां चलती हैं तो रेत में इन महान पलों का कैद होना केवल समय की बात होता है। कई सालों से ऐसी तस्वीरें दुनिया भर के अखबारों में आती रहती हैं, जिसमें छिपा संदेश एक अलग ही छाप छोड़ता है। सुदर्शन पटनायक की विशालकाय बोलती रेत की इन आकृतियों को देखने आज दुनिया भर के पर्यटक उड़ीसा के समुद्री तटों पर पहुंचते हैं। I've known Sudarshan Patnaik for many years and I've always been impressed by the way he puts his ideas so skillfully into his sun sculptures. मैं इनको बहुत सुंदर इसलिए तो मैं यहाँ आकर्षित होकर के आया, इनको बनाते हुए देख रहा था हमेशा। इनका मैं देखता हूँ कला आर्ट टीवी पे। आज मुझे साक्षात ये देखने को और इनसे मिलने का सौभाग्य मिला। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने फर्स्ट टाइम ये मिस्टर सुदर्शन का लाइव मैं हमेशा न्यूज़पेपर पे देखती थी और आज मैंने इसे लाइव देखा है तो इट्स वेरी अमेजिंग। स्टॉप टेररिज्म हमने सैंड आर्ट में देखा, जितनी खूबसूरत ये है उतना ही बड़ा ये मैसेज दे रही है। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को बनाने में कई साल लगा दिए, लेकिन सुदर्शन के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। रेत के बादशाह सुदर्शन पटनायक ने काला ताज महल बनाया। इसे बनाने में 2 दिन का वक्त लगा था। सुदर्शन से पहले भारत में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि समुद्री तटों पर यूं ही बिखरी रेत का इतना खूबसूरत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सुदर्शन का ये रेत प्रेम भी इतिहास की वो कहानी है जिसने कलाकार को जन्म दे दिया। हर कहानी के पीछे एक संघर्ष है और सुदर्शन भी इससे अछूते नहीं रहे। सुदर्शन का जन्म उड़ीसा के पुरी में समंदर के किनारे हुआ था। पिता के साए से छोटी उम्र में महरूम होने के बाद भयंकर गरीबी से दो चार होने वाले सुदर्शन ने
सुकून पाने के लिए समुद्र के तट तलाशे। बचपन से कलाकारी के शौकीन रहे सुदर्शन के घर की माली हालत ठीक नहीं थी। ऐसे में सुदर्शन को पड़ोस के घर में काम करना पड़ता था, लेकिन साहिल पर रेत का मैदान हमेशा से सुदर्शन को उसकी ओर खींचता था। इस कड़ी में उनकी रेत से दोस्ती हुई और फिर उनके अंदर छिपा कलाकार जागा। सुदर्शन ने समंदर के किनारे पड़ी रेत में जीवन का संदेश तलाशा, उसे जीवंत बनाया। वो ना तो कभी स्कूल गए और ना ही किसी से ट्रेनिंग ली। रेत से खेलते खेलते कब वो वर्ल्ड फेमस कलाकार बन गए खुद उन्हें भी नहीं पता। दिमाग में आइडिया तो बहुत थे, लेकिन गुरु बगैर वो दिशाहीन से लगते थे। लेकिन कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। सुदर्शन ने खुद की रेत पर लकीरें खींचनी शुरू कर दी। घरों में काम करके उल्टा सीधा सुनने वाले सुदर्शन ने जब रेत में हाथ फेरा तो उन्हें तारीफ मिलना शुरू हो गया, जिसने सुदर्शन को एक नया बल दिया और नई नई आकृतियां जन्म लेने लगी। लगन और कला ने रेत के इस मैदान को नई जिंदगी देनी शुरू कर दी। ये कि जब हम बनाते थे, जैसे लोग समंदर किनारे आते हैं, घर मंदिर और थोड़ा फेस ऐसे कुछ मैंने कोशिश किया, बट लोग सोचते थे क्यों ये समंदर किनारे क्यों बना रहा है, बालू में क्यों बना रहा है, जो हवा आता है उड़ जाता है, समंदर आके धो के ले जाता है। बट मेरे अंदर ये सोच था कि दुनिया में हर कोई चीज में जान है, अगर उसमें हम लोग जान लगा देंगे तो वो जरूर बोल सकता है। तो इसलिए मेरे भी काफी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे, अरे सुदर्शन तुम इतना स्कल्पचर्स बना रहे हो, क्यों ना अदर मटेरियल में करो। बट मेरा ये सोच था कि इस मटेरियल में ऐसे कुछ चीज है इस बालू में जिसको लाखों लोग पसंद कर रहे हैं, और वो ही सबसे एक आर्टिस्ट के लिए तो वो सबसे बड़ा ये होता है। शुरुआत में सुदर्शन देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरा करते थे, लेकिन बाद में देश दुनिया में हो रही गतिविधियां इन रेतों में जीवित होनी शुरू हो गई। वैसे तो सुदर्शन को रेत पर एक से एक शानदार कलाकृतियां बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन एक ऐसा काम भी है जिसे ये रेत का जादूगर आए दिन तोड़ता रहता है, और वो है अपने ही रिकॉर्ड। इस सैंड आर्टिस्ट ने क्रिसमस के मौके पर समुद्र तट पर रेत से जीसस की विश्व की सबसे विशाल मूर्ति बनाई। 75 फीट चौड़ी और 35 फीट ऊंची इस प्रतिमा को बनाने में 1000 टन रेत का इस्तेमाल किया गया। इसमें गॉड जीसस के साथ मदर मैरी और सेंटा क्लॉज की मूर्तियां भी शामिल हैं। सुदर्शन ने अपने 25 छात्रों की मदद से इस विशालकाय प्रतिमा को 3 दिन की मेहनत के बाद तैयार किया। इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। सुदर्शन के नाम इससे पहले 7 विश्व कीर्तिमान दर्ज हैं। आज भले ही रेत की ये कला किसी पहचान की मोहताज ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोगों को पता ही नहीं होता था कि सैंड आर्ट क्या होती है। एक वक्त वो भी था जब सुदर्शन रेत पर कलाकृति बनाने की इजाजत मांगते थे और जवाब मिलता था रेत खराब हो जाएगी। जब हम इस कला को लेकर जब बाहर जाते थे, बाहर लोगों को बोलते थे, लोग समझते थे कि ये धूल है, यहाँ कारपेट में खराब हो जाएगा, यहाँ गंदा हो जाएगा, आप रेत मत ये करो। तब लोगों में इतना ये नहीं होता था। जब इसमें हमने इस रेत को लेकर, क्योंकि लोगों में डिफरेंट ये होता है कि वो सोचते हैं कि रेत है, हवा में आएगा तो गंदा हो जाएगा, कहाँ पर ये हो जाएगा, बट उसमें हमने उनको दिखाया कि कैसे ये ब्यूटी हो सकता है। इसी को जब आप धूल समझते हैं, वही धूल भी आपको अच्छा लगेगा। पूरे हिंदुस्तान में इस कला का इतना खूबसूरत अंदाज से बयां कहीं और नहीं मिलता। इन आकृतियों में हमेशा सुंदरता या कला ही अहम नहीं होती, बल्कि कई बार अहम इससे उपजा संदेश भी होता है। किसी बड़ी घटना के कुछ ही घंटों बाद एक विशाल के रेत को आकार देना आसान भी नहीं है। मलेशिया विमान का क्रैश दिखाना हो या ओसामा बिन लादेन के खात्मे की आकृति, ये चित्र इतने अहम बन पड़े हैं कि दुनिया भर के सोशल साइट्स पर सुदर्शन पटनायक की धूम मच गई। ऐसा ही वो क्लाइमेट चेंज के खतरों से जनता को रूबरू कराने के लिए भी करते हैं। सीरिया के समंदर में आयलान कुर्दी के दर्द को जब सुदर्शन ने उकेरा तो हर किसी की आंखें गमगीन हो गई। आज जो मुकाम सुदर्शन पटनायक को हासिल हुआ है उसके पीछे है कड़ी मेहनत। सुदर्शन को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी और ना ही ये कला उन्हें विरासत में मिली। समुद्र तट पर अपनी कलाकृतियों को अंतिम रूप देते सुदर्शन पर कुछ लोगों की नजर पड़ी और धीरे धीरे उन्हें पहचान मिलने लगी। आज पूरी दुनिया में सुदर्शन की अपनी ही एक अलग पहचान है। रूस में हुई प्रतियोगिता में सुदर्शन ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, जिसमें सुदर्शन ने गांधी जी की तस्वीर को उकेरा, साथ ही उनके 3 बंदरों को भी दिखाया। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो।
इसके साथ ही दुनिया में शांति का संदेश भी दिया और बड़े बड़े रेत के जादूगरों को पीछे छोड़ दिया। यूं ही कोई कलाकार सुदर्शन नहीं बन जाता। रेत के इस बादशाह के मुताबिक एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका में होने वाली चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से फीस जुटाई थी, लेकिन तब अमेरिका कॉन्सुलेट ने उन्हें वीजा भी नहीं दिया था। लेकिन ये सुदर्शन की जिद थी कि न केवल उन्होंने दुनिया में नाम कमाया बल्कि साथ ही अमेरिका को मजबूर किया कि वो इस रेत के कलाकार को बुलाकर सम्मानित करें। हर कोई कंट्री में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अभी बहुत पॉपुलर है, इसके ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, यूएस ओपन हो रहा है, यूरो ओपन हो रहा है और लास्ट ईयर वर्ल्ड कप भी यूएस में हुआ था। तो मुझे जो फर्स्ट इन्विटेशन वो नॉर्थ अमेरिका से मिला था, जहाँ पर हो रहा था वर्जीनिया बीच में ये हो रहा था, तो उस टाइम मुझे जब इन्विटेशन आया पोस्टल में आया था तब मुझे याद है 20 साल हो गया, तो तब मैं वो इन्विटेशन लेके हर कोई लोगों के पास जाता था, दिखाता था, लोग हंसते थे, अरे किसके घर में ये लड़का काम कर रहा है फिर ला के दिखा रहा है कि अमेरिका से मिला हुआ है, इन्विटेशन जाएगा कुछ बनाने के लिए। तो बट मेरा इतना जोश था कि मैंने बहुत कोशिश किया था, मुझे याद है मैं 100 रुपया लोगों से कलेक्शन करके एक टिकट परचेज किया था, बट जब यूएस एम्बेसी पे गया था मुझे वीज़ा नहीं मिला था, वो मेरा जीवन का सबसे बड़ा ये था। तब मैंने सोचा कि मेरा लाइफ में अभी इतने लोगों से मैंने पैसा कलेक्शन करके टिकट किया हुआ है, बट कॉन्सुलेट ने मुझे वीज़ा नहीं दिया यूएस गवर्नमेंट। मैंने उनका हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट किया बट उन लोगों ने नहीं दिया वीज़ा, क्योंकि उन्होंने बोला कि यू आर सो यंग आर्टिस्ट, वी कांट गिव यू द वीज़ा। तो बट मैंने, मेरा हिम्मत नहीं हारा, मैंने कोशिश जारी रखा। उसके बाद मैंने काफ़ी कंट्रीज में, अदर्स कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया, काफ़ी प्राइज विन किया, बट ऐसा एक टाइम है तो यूएस गवर्नमेंट ने बुला के भी मुझे वीज़ा दिया और वो कंपटीशन में मैं जाके पार्टिसिपेट किया, 3 मेडल वहाँ पर, पीपल चॉइस, स्कल्पर चॉइस और जो पब्लिक प्राइज होता है ये सब विन किया। तो इसीलिए अब्रॉड में जब, जैसे कि बर्लिन में मैंने फर्स्ट इंडियन मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल विन किया, तब मुझे, मेरा जीवन में कभी नहीं सुना था कि जिस रेत में यहाँ पर लोग खेलते थे हमारा कंट्री में, और उसी रेत को लेकर मैं देश को रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकता हूँ। इसलिए बहुत सारे जगह में, यहाँ पर भी पूरी बीच में 2-2 बार प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं विजिट करके सैंड स्कल्पचर देखने के लिए, यूएस एम्बेसडर्स भी आए, काफी लोग आते हैं देखने के लिए कि रेत में कैसे स्कल्पचर्स। रेत पर कल्पनाओं को साकार कर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले उड़ीसा के सुदर्शन पटनायक मानते हैं कि भले ही आज उनकी कला को पहचान मिली हो, लेकिन उन्हें अपने देश में पहचान भी विदेशी सम्मान के बाद ही मिल पाई। अच्छा, आपने जब रेत से ये मूर्तियां बनाने शुरू की तो आपको लोगों ने कब पहचानना शुरू किया, कब वो कहने लगे सुदर्शन है वो सुदर्शन जो रेत से तस्वीर? तो सर यहाँ पर मैं बहुत कोशिश किया, हमारा देश में बहुत सारी जगह में जाके छोटा कुछ स्कल्पचर्स करने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत कोशिश किया, बट जब मैं जाके इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, जब फॉरेन में जाके इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जब वहाँ का न्यूज जब यहाँ पर आया कि लोगों को पता चला कि कोई इंडियन आर्टिस्ट है जो ऐसे वर्ल्ड चैंपियनशिप और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, तब जाके यहाँ पर लोगों ने पहचाना। हमारी ये खास पेशकश जारी है, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। सुदर्शन को न केवल देश की जनता से प्यार मिला, साथ ही देश की सरकार ने भी समय समय पर सुदर्शन का सम्मान कर उनके हौसलों को सराहा है। हालांकि रेत का यह कलाकार वो दिन भी नहीं भूल पाता जब बड़े बड़े नेताओं ने महज 100 रुपए देकर इस कलाकार की हंसी भी उड़ाई थी। पर्यावरण और एड्स जैसे सामाजिक मुद्दे हों या ओबामा की ऐतिहासिक भारत यात्रा, इन सबको रेत पर उकेर कर बतौर सैंड आर्टिस्ट उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया। गरीबी से जूझ कर बड़े हुए सुदर्शन पटनायक ने 2008 में बर्लिन में विश्व चैंपियनशिप जीतकर भारत का नाम रोशन किया। सुदर्शन पटनायक मानते हैं कि सैंड आर्टिस्ट बनने के लिए ये कतई जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हों या आपके पास डिग्री हो। उनका मानना है कि बस मन में इच्छा शक्ति होनी जरूरी है और कुछ नया करने की चाह, और यही चाह थी जिसने रेत के इस जादूगर को दिलवाया देश का प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान। चीन से लेकर जर्मनी और जापान से लेकर इंग्लैंड तक दुनिया के कई देशों में सुदर्शन अपनी रेत की कलाकृतियों के चलते 35 से भी ज्यादा अवार्ड हासिल कर चुके हैं। दुनिया के पहले मॉस्को इंटरनेशनल सैंड कल्चर में पीपल चॉइस अवार्ड से सम्मानित हुए सुदर्शन अपनी कला को आम जनता और खासकर युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं।
अभी बहुत सारे ड्रीम हैं, एक आर्टिस्ट के ड्रीम कभी खत्म नहीं होते, उसी तरह सुदर्शन पटनायक जी के भी ड्रीम्स हैं। शुक्रिया सुदर्शन जी, आपने इतना समय दिया, तो उन्हीं ड्रीम्स के बीच में हम एक उम्मीद करते हैं कि यहाँ एक पार्क होगा जिस तरह का एक उनका सपना है, और हजारों सेंड आर्टिस्ट होंगे जो इस कला को आगे ले जाएंगे। आज हर किसी को सुदर्शन के नए संदेश का इंतजार होता है। अखबार, वेबसाइट या टीवी पर सुदर्शन के संदेश दिल जीत लेते हैं। रेत पर आर्ट बनाना आसान नहीं होता, मौसम हो या समंदर, हर किसी की हरकत आपके मंसूबों पर पानी फेर देती है। सुदर्शन कहते हैं कि रेत हमारी जिंदगी की तरह है, जिसका कोई भरोसा नहीं। एक आर्ट कब तक बनेगी, कितनी मुश्किलों का सामना करेगी और कितने दिनों तक दिखेगी, सब ऊपर वाले के हाथों में होता है। एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही।